बीजेपी और केंद्र के खिलाफ आप और कांग्रेस के बीच आपसी सहमति बनने के बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं के भी सुर बदल गए हैं। अब कांग्रेस के नेता हर पल आप नेताओं व दिल्ली सरकार को कोसने के बजाय बीजेपी और मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी और दिल्ली प्रभारी दीपक बाबरिया के नेतृत्व में जंतर मंतर पर बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की तानाशाही रवैये, देश के बिगड़ते हालात, पिछले ढाई महीनों से अधिक मणिपुर में सांप्रदायिक तबाही और गरीबों के लिए उठाई गई राहुल जी की आवाज को दबाने की कोशिश के खिलाफ मौन सत्याग्रह रखा गया। बीजेपी और केंद्र के खिलाफ आप और कांग्रेस के बीच आपसी सहमति बनने के बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं के भी सुर बदल गए हैं। अब कांग्रेस के नेता हर पल आप नेताओं व दिल्ली सरकार को कोसने के बजाय बीजेपी और मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी और दिल्ली प्रभारी दीपक बाबरिया के नेतृत्व में जंतर मंतर पर बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की तानाशाही रवैये, देश के बिगड़ते हालात, पिछले ढाई महीनों से अधिक मणिपुर में सांप्रदायिक तबाही और गरीबों के लिए उठाई गई राहुल जी की आवाज को दबाने की कोशिश के खिलाफ मौन सत्याग्रह रखा गया।